लाइट ऑन, लैंप ऑन, सॉकेट ऑन, फैन ऑन, लाइट ऑफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड एप्लीकेशन कंट्रोल होम अप्लायंसेस। तो चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड, एपीके फाइल और एए फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं, यहां से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। इसके बाद इस जिप फाइल को ओपन करना है। इसके बाद यहां से आपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन कर लेना है। तो इसने एक फोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास AIA फाइल है, इसके बाद APK फाइल है, इसके बाद कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है। तो शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने अर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है, इसके बाद एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया हुआ है H05, इसके बाद 4 लेयर्स का मॉड्यूल यूज किया हुआ है, इसके बाद 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है, 220 के सोर्स की न्यूट्रल डायरेक्ट लोड के साथ अटैच की हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे दी हुई है और नॉर्मली ओपन से आउटपुट लोड के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का, जो हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है रिले मॉड्यूल के लिए, अर्डिनो नैनो के लिए और ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए। इसके बाद एक MIT ऐप इन्वेंटर से एंड्रॉइड की ऐप डेवेलप की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने अर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है।
कोड सर्किट डायग्राम एपी की फाइल और ये फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने ईप्रोम की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। ईप्रोम की लाइब्रेरी हमने लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। अडिनो नैनो में बिल्टन सीरियल 0 और 1 पिन पे होती है। अगर हम उसी सीरियल पे ब्लूटूथ मॉड्यूल अटैच कर देते हैं तो कोड अपलोड करने के लिए हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल रिमूव करना पड़ता है और कोड अपलोड करने के बाद दोबारा अटैच करना पड़ता है। तो उस चीज से बचने के लिए हमने सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू अपनी मर्जी से एक सीरियल इनिशियलाइज की हुई है बीटी सीरियल के नाम से, जिसके लिए पिनें इनिशियलाइज की हुई है 2 और 3, 2 RX है और 3 TX है। इसके बाद 4 रिलेज की पिनें इनिशियलाइज की हुई है 4, 5, 6, 7। इसके बाद एक बीटी डाटा की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, जो हम ब्लूटूथ से डाटा रीड करेंगे बीटी डाटा की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद load 1, load 2, load 3, load 4 और पावर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है, अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600, बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद बीटी सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद 4 रिलेज की पिन ने आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है और यहाँ पर हमने साथ ही रिले के पिन पे 1 राइट करवाया हुआ है। रिले हमारी लो से ऑन हो रही होती है और हाई से ऑफ हो रही होती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम रिले की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज करते हैं तो रिले की पिन लो हो जाती है, इसको साथ ही हमने हाई किया हुआ है। स्टार्ट में लोड हमारे ऑफ होंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने ईप्रोम से एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद एड्रेस 5 से पावर की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद 500 मिलीसेकंड का डिले है, 500 मिलीसेकंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले ब्लूटूथ की सीरियल रीड हो रही है, यहाँ से जो भी डाटा रीड होगा वो बीटी डाटा की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बीटी डाटा की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है कि जैसे ही बीटी डाटा की वेरिएबल 1 इक्वल होगी उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और ईप्रोम में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जैसे ही हम लाइट ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल पे कैपिटल ए रिसीव होगा और जैसे ही कैपिटल ए रिसीव होगा तो इसने लोड 1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और साथ ही ईप्रोम में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद जैसे हम ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल स्मॉल ए के इक्वल हो जाएगी, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसी तरह ही लैंप ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो कैपिटल बी आएगा और लोड 2 की वेरिएबल 0 के इक्वल हो जाएगी और एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद लैंप ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल स्मॉल बी के इक्वल हो जाएगी और लोड 2 की वेरिएबल 1 के इक्वल हो जाएगी और ईप्रोम में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसी तरह जैसे हम सॉकेट ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो कैपिटल सी आएगा, लोड 3 की वेरिएबल 0 के इक्वल हो जाएगी और ईप्रोम में एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद जैसे हम सॉकेट ऑफ का बटन प्रेस करेंगे स्मॉल सी आएगा, उस कंडीशन के ऊपर लोड 3 की वेरिएबल 1 के इक्वल हो जाएगी और ईप्रोम में एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। तो अगर हम फैन ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगी, इस कंडीशन पे इसने लोड 4 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और ईप्रोम में एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद अगर हम फैन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे बीटी डाटा की वेरिएबल स्मॉल डी के इक्वल हो जाएगी, तो इस पे हमने लोड 4 की वेरिएबल को 1 के इक्वल किया हुआ है और ईप्रोम में एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। एप्लीकेशन से अगर हम पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल कैपिटल ई के इक्वल हो जाएगी, तो इस कंडीशन पे हमने पावर की वेरिएबल को 0 किया हुआ है और ईप्रोम में एड्रेस 5 पे पावर की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। अगर हम पावर ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल स्मॉल ई के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर हमने पावर की वेरिएबल को 1 के इक्वल किया हुआ है, ईप्रोम में एड्रेस 5 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। तो यहाँ से बीटी डाटा की वेरिएबल 0 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पावर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है कि पावर की वेरिएबल अगर 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 4 रिलेज की पिन पे 1-1 राइट करवाना है, यानी कि चारों लोड ऑफ कर देने हैं। इसके बाद अगर पावर की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। तो यहाँ पर हमने रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। तो यहाँ पर हमने पावर की वेरिएबल आर लोड ऑफ करने के लिए यूज की हुई है, यानी कि जैसे हम रूम से आउट होने लगे हैं पावर ऑफ का बटन प्रेस कर देंगे
तो लोड हमारे ऑफ हो जाएंगे और जैसे ही हम रूम में इंटर होने लगेंगे पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो जिस स्टेटस में हमने लोड ऑफ किए होंगे उसी स्टेटस में दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में लोड का स्टेटस अपडेट करने के लिए पावर की वेरिएबल और लोड वन की वेरिएबल और लोड टू की वेरिएबल और लोड थ्री की वेरिएबल और लोड फोर की वेरिएबल प्रिंट की हुई है। इसके बाद 500 मिलीसेकंड का डिले है, 500 मिलीसेकंड डिले पे ये लूप रन होता रहेगा और साथ साथ बीटी डाटा की सीरियल पे ये सारी वेरिएबल्स प्रिंट करता रहेगा। तो जैसे ही हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओपन करेंगे लोड का स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो लोड हमारे ऑन है उनको ऑन शो करेगा और जो लोड हमारे ऑफ है उनको ऑफ शो करेगा। तो ये था हमारा कोड, चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो नैनो, बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है। तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। चलिए अब आपको MIT ऐप इन्वेंटर से जो हमने ऐप डेवलप की हुई है उसको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ से आपने सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर, तो इनकी वेबसाइट पे चले जाना है। तो यहाँ से आपने क्रिएट एप्स में जाना है, तो यहाँ से आपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो जाना है। अगर आपने न्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी होगी तो उसके लिए आपने स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स में जाना है और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख के न्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद इम्पोर्ट प्रोजेक्ट डॉट AIA फ्रॉम माई कंप्यूटर, जो हमने फाइल्स डाउनलोड की है उसमें AIA फाइल और APK फाइल दोनों हैं, तो आपने AIA फाइल चेंजिंग के लिए अपलोड करनी है। तो यहाँ से अपने AIA फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, इसके बाद इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद ओके कर देना है। तो AIA फाइल हमारी अपलोड हो रही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन का ग्राफिक है, इसमें सबसे पहले हमने एक बटन यूज किया हुआ है जिससे हम ब्लूटूथ की पेयर लिस्ट ओपन कर रहे होते हैं। इसके बाद पावर ऑन ऑफ के लिए टू बटन यूज किए हुए हैं, इसके बाद लाइट ऑन ऑफ के लिए टू बटन यूज किए हुए हैं, इसके बाद लैंप ऑन ऑफ के लिए टू बटन यूज किए हुए हैं, इसके बाद सॉकेट ऑन ऑफ के लिए टू बटन यूज किए हुए हैं, इसके बाद फैन ऑन ऑफ के लिए टू बटन यूज किए हुए हैं, इसके बाद वॉइस के लिए एक बटन यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने लोड का स्टेटस अपडेट करने के लिए लैब यूज किए हुए हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन का ग्राफिक है, अगर आपने ग्राफिक में कोई भी चेंजिंग करनी होगी तो उस चीज को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने चेंज कर लेना है। जैसे कि स्क्रीन को टच करते हैं तो यहाँ से हम इसकी बैकग्राउंड के लिए कोई भी इमेज अपलोड करके चेंज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में हमने ब्लूटूथ के साथ ऑटो कनेक्शन रखा हुआ है कि जैसे हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे मोबाइल ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल सिलेक्ट करना होता है, जैसे हम ब्लूटूथ मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो जैसे हम नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली ये उस मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाता है और लोड का स्टेटस अपडेट कर देता है कि जोन से लोड हमारे ऑन है उनको ऑन शो करवा देता है, जो लोड हमारे ऑफ है उनको ऑफ शो करवा देता है। तो ये था हमारा ग्राफिक, चलिए अब आपको ब्लॉक्स में ले जाता हूँ। तो ये हमारे ब्लॉक्स हैं, इसमें सबसे पहले हम ब्लूटूथ कनेक्ट का बटन प्रेस कर रहे होते हैं, तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो पेयर लिस्ट ओपन हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम हम ब्लूटूथ की पेयर लिस्ट में से ब्लूटूथ मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम ब्लूटूथ मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो इसकी डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर हमने 10 बटन यूज किए हुए हैं, जैसे हम लोड वन का बटन क्लिक करते हैं तो इसने ब्लूटूथ पे कैपिटल A सेंड कर देना है और जैसे हम लोड वन ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे स्मॉल A सेंड कर देना है और जैसे हम लोड टू ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे कैपिटल B सेंड कर देना है और जैसे हम लोड टू ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे स्मॉल B सेंड कर देना है, इसके बाद जैसे हम लोड थ्री ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे कैपिटल C सेंड कर देना है और जैसे हम लोड थ्री ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे स्मॉल C सेंड कर देना है और इसके बाद जैसे हम लोड फोर ऑन का बटन क्लिक करते हैं तो इसने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे कैपिटल D सेंड कर देना है, इसके बाद जैसे हम लोड फोर ऑफ का बटन क्लिक करेंगे तो इसने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे स्मॉल D सेंड कर देना है, इसके बाद जैसे हम पावर ऑन का बटन क्लिक करेंगे तो इसने
ब्लूटूथ पे कैपिटल ई सेंड कर देना है, और जैसे हम पावर ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो इसने ब्लूटूथ पे स्मॉल ई सेंड कर देना है। तो ये हमने बटन यूज किए हुए हैं मैनुअल ऑन ऑफ के लिए। तो इसके साथ ही हमने ये वॉइस रिकॉग्निशन से लोड ऑन ऑफ करने के लिए कमांडें कॉल करवाई हुई हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे हम वॉइस का बटन क्लिक करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन कॉल हो जाता है, बोल रहे होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर इसने स्पीच को टेक्स्ट में चेंज करना होता है, और इसके बाद यहाँ पर इसने स्पीच रिकॉग्निशन का फंक्शन कॉल करवा देना है। अगर हम लाइट ऑन की कमांड देंगे तो उसके ऊपर इसने ब्लूटूथ पे कैपिटल ए सेंड करना है, और साथ ही इसने दोबारा फिर स्पीच रिकॉग्निशन कॉल करवा देना है। इसी तरह ही लाइट ऑफ पे इसने स्मॉल ए सेंड कर देना है, लैंप ऑन पे इसने कैपिटल बी सेंड कर देना है, लैंप ऑफ पे इसने स्मॉल बी सेंड कर देना है, सॉकेट ऑन पे इसने सी कैपिटल सेंड कर देना है, सॉकेट ऑफ पे इसने स्मॉल सी सेंड कर देना है, फैन ऑन पे इसने कैपिटल डी सेंड कर देना है, फैन ऑफ पे इसने स्मॉल डी सेंड कर देना है, पावर ऑन पे इसने कैपिटल ई सेंड कर देना है, और पावर ऑफ पे इसने स्मॉल ई सेंड कर देना है। तो इसके साथ ही हमने जो ब्लूटूथ से डाटा रीड हो रहा है उसके ऊपर चेक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम 5 वेरिएबल रीड करवा रहे हैं, लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 और पावर की वेरिएबल। यहाँ पर सबसे पहली वेरिएबल पावर की है, जो हम अडिनो के कोड के अंदर सीरियल पे राइड करवा रहे थे पावर की वेरिएबल। तो इस पे हमने चेक लगाया हुआ है, अगर पावर की वेरिएबल 1 की इक्वल है तो इसने पावर के टेक्स्ट में शो करवाना है ऑफ रेड कलर में। इसके बाद यहाँ पर हमने एल्स यूज किया हुआ है, अगर डाटा 1 की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने पावर के टैक्स के अंदर ऑन शो करवाना है और इस टैक्स का कलर ग्रीन कर देना है। इसके बाद अगर डाटा 2 की वेरिएबल लोड 1 के लिए जो हमने यूज की हुई है, अगर ये 1 के इक्वल है तो इसने लोड 1 के टैक्स के अंदर इसने ऑफ शो करवाना है रेड कलर में। इसके बाद अगर डाटा 2 की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो इसने एल्स में चले जाना है, तो यहाँ पर इसने लोड 1 के टैक्स में ऑन शो करवाना है ग्रीन कलर में। इसी तरह ही डाटा 3 की वेरिएबल लोड 2 के लिए यूज की हुई है, डाटा 4 की वेरिएबल लोड 3 के लिए यूज की हुई है, डाटा 5 की वेरिएबल लोड 4 के लिए यूज की हुई है। तो ये थे हमारे ब्लॉक्स, चलिए अब एपीके फाइल बिल्ड कर लेते हैं। तो यहां से आपने बिल्ड में जाना है, इसके बाद ऐप सेव डॉट एपीके टू माई कंप्यूटर प्रेस करना है। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो एपीके फाइल डाउनलोड होना शुरू होगी हुई है। एपीके फाइल हमारी डाउनलोड होगी हुई है, तो यहां से अपने शो इन फोल्डर कर लेना है। तो एपीके फाइल को आपने कॉपी करके एंड्रॉयड मोबाइल में पेस्ट कर देना है, इसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ब्लूटूथ को पेयर कर लेना है, और इसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन करनी है, कनेक्ट के बटन से पेयर लिस्ट ओपन करके H05 सेलेक्ट कर लेना है।
फैन ऑन, फैन ऑफ, लाइट ऑफ,